उसके बाद आपको ये फोन पाकिस्तान में कब अवेलेबल मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। प्राइसिंग भी इंडिया में आ चुकी है और यहाँ पर एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है इन्फिनिक्स हॉट 25G का इंडिया की मार्केट में। सारा कुछ जानते हैं, बस इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू वीडियो के साथ भाई कर लेते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले यहां पर दोस्तों आपको देखेंगे बैक पर डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग मिलता है। बैक पर पॉलीकार्बोनेट, यहां पर स्टफ आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक के ही देखने को मिलेंगे। कैमरा मॉड्यूल थोड़े से बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे और आपको यहां पर ओवरऑल देखने के मामले में कैमराज काफी ठीक दिखाई दे देंगे। इस फोन का डिजाइन आपको बॉक्सी टाइप लगेगा, बॉक्सी डिजाइन नहीं लेकिन थोड़ा सा उस टाइप का बनाया गया है फ्रेम वगैरह। और यहाँ पर आपको ब्लू कलर जो है वो हाइलाइटिंग किया गया है। इसके अलावा 3 से 4 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल इस फोन के। और आपको 3.5mm का जैक भी मिलेगा इस फोन में। यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है इस फोन में, ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल आपको दिखने में टाइप सी कनेक्टिविटी इस फोन में मिल जाएगी, डिजाइन के हवाले से आपको ठीक मिलता है। अब आ जाते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले आपको नॉच टेक्नोलॉजी वाला ही मिलेगा, IPS LCD वाला 6.6 इंचेस का। यहां पर फुल HD+ की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इस फोन में। यहां पर आप देखेंगे ब्राइटनेस वगैरह तो ज्यादा तगड़ी नहीं, लेकिन IPS डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ तो रिफ्रेश रेट के साथ आपको काफी अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा ये फोन। लेकिन एमोलेड होता तो ज्यादा एक मतलब के सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो हो जाता है इस पे। तो 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है इस फोन में, लेकिन आपको मल्टीटास्किंग में ये फोन बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। ओवरऑल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर फीचर्स भी काफी थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं इस फोन में। यहाँ पर मेन जो बात है इस फोन की वो है इस फोन का तगड़ा प्रोसेसर। डायमेंसिटी 810 5G के साथ लॉन्च किया गया है। 6 नैनोमीटर वाला ये चिपसेट है, ये काफी पावर एफिशिएंट चिपसेट है दोस्तों। मतलब कि आप गेमिंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गेमिंग के साथ साथ ये आपकी बैटरी को भी, फोन की बैटरी को आसानी से बड़े अच्छे से चलाएगा दोस्तों। वो पावरफुल अगर प्रोसेसर होता है तो मैनेजमेंट उसकी प्रोसेसर ही काफी जबरदस्त होती है और आपको हर तरह से ग्राफिक्स वगैरह में भी काफी मदद देगा डिस्प्ले के हवाले से। और यहाँ पर गेमिंग में तो मजेदार आपको मिलेगा ये फोन। इस फोन में आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है, 50+ QVGA कैमरा और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का ही दिखाई देगा। यहाँ पर आप नॉर्मल रिजल्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं इस फोन में। यहाँ पर बैक पर आपको 2K रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी इस फोन में। 4K का तो आपको बताया कि दूर दूर तक किसी फोन में काफी कंपनीज 4K प्रोवाइड नहीं करी 50,000-60,000 की प्राइस में भी। यहाँ पर आपको 4GB रैम प्लस 3GB की एक्सटेंडेड रैम आपको मिल जाती है, मतलब कि आपको 7GB की रैम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। एक ही वेरिएंट इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। ओवरऑल ज्यादा वेरिएंट तो प्राइस भी फिर ज्यादा होगी और इस फोन की जो प्राइस रखी गई इंडिया की 7GB 64GB वाले की वो है 12,000 रुपए, जो करीब करीब अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें पैसों में तो तकरीबन 35,000 से 36,000 रुपए बनती है। लेकिन अगर टैक्स वगैरह इंक्लूड करके ये फोन मतलब कि अंडर 40K आपको पाकिस्तान की मार्केट में मिल जाएगा। इंडिया में 12,000 रुपए प्राइस है 4GB 64GB की और 1 दिसंबर लॉन्च कर दिया गया ये फोन बिल्कुल, इसलिए आपको हम रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी 5000mAh की देखने को मिलेगी, 18W की चार्जिंग। यहाँ पर बैटरी जल्दी गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि प्रोसेसर काफी पावरफुल है दोस्तों, मतलब कि आप इजीली जो है एक दिन तो ये बैटरी निकालनी चाहिए। अगर आप यूजिंग कर रहे हैं मतलब कि मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हैं, गेमिंग करेंगे तो फिर तो आपको पता ही है कि थोड़ा टाइम ही होता है, लेकिन ओवरऑल आपको ठीक एक्सपीरियंस देने वाली। मजीद हमारे चैनल पर जब अनबॉक्सिंग आएगी उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है आपका, तो आपको सारी वीडियोज हमारे चैनल पर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इस फोन में सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 12 के साथ मिलेगा, XOX 10.6 वर्जन मिलता है, मतलब कि एंड्रॉइड 13 की भी अपडेट इस फोन में देखने को मिल जाएगा और एक्सपीरियंस आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इस फोन में।
अब ये फोन पाकिस्तान की मार्केट में भी जल्द लॉन्च होगा दोस्तों, कंफर्म लॉन्च होगा। अब प्रोसेसर डायमेंसिटी 810 आ जाता है तो भाई बड़ा जबरदस्त मामला हो जाएगा। लेकिन अगर G99 के साथ लॉन्च होता है तो फिर भी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन 810 जो है 5G प्रोसेसर तो पावर एफिशिएंट है, तो इसके साथ लॉन्च होगा तो ज्यादा गेमिंग में मजा आने वाला है। यहां पर ये फोन इसी महीने के आखिर में सुनने में मिल रहा है, इस महीने में ही लॉन्च होने वाला है या जनवरी के 2023 में ये फोन पाकिस्तान की मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका इस फोन में क्या ख्याल है, कितनी दोस्तों आपको प्राइस इस फोन की मिलनी चाहिए, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।